क्यों दुआ मांगना, क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं, क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं, जबकि होनी को है हर हाल में होना साईं। साहिब सदर की इजाजत से क्यों क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं, जबकि होनी को है हर हाल में होना साईं। क्या बात है, और कुछ देर का रहता है तमाशा बाकी, और कुछ देर का रहता है तमाशा बाकी, खाक हो जाएगा फिर जिस्म का सोना साईं, खाक हो जाएगा फिर जिस्म का सोना साईं, तुम समंदर से मुलाकात को जाना तो वहाँ, तुम समंदर से मुलाकात को जाना तो वहाँ, पाँव बहती हुई लहरों में भिगोना साईं, तुमसे बिछड़े हैं तो देखा हमने, दिन न होना तो कभी रात न होना, दो तीन शेर और देखिएगा कि इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, हिजर के सोग अच्छे लगने लगे, और जब से वो बेवफा हुआ रूही, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे, इश्क में दिल ही नहीं जान भी गवाई हुई है, इश्क में दिल ही नहीं जान भी गवाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साईं, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साईं, मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई, पसली से बनाई हुई है, बेवफा होते हैं हम शरबती आँखों वाले, बेवफा होते हैं हम शरबती आँखों वाले, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई, हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है, जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, जाया हुआ शख्स याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, और जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ शख्स, अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको लेकिन, अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको लेकिन, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ, हंसती हूँ मैं हंसती हुई सबको लेकिन, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स, डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, और चला जाए ना वो ख्वाब में, डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, और चला जाए ना वो ख्वाब में आया हुआ शख्स, ठोकरे खा के जो गिरते हैं वो संभल जाते हैं, ठोकरे खा के जो गिरते हैं वो संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स, ठोकरे खा
आगे जो गिरते हैं संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया वो शख्स। किसवीं सदी की सदी का शेर सुना रही हूँ मैंने, किसवीं सदी की और 22वीं सदी के बहुत अच्छा लिखे। मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर भी लिखा था, पहले वो सुना ले क्योंकि ये साईं का मुशायरा है यहाँ पर हम सब, और ये लफ्ज मेरे दिल को इतना भाता है कि मैंने इसको बेतहाशा अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। साईं बता भी दीजिए कि सक्कर से ताल्लुक, हाँ सक्कर से ताल्लुक है, और सक्कर क्या ये सब कुछ ही हमारा है भाई। तो पहले मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर लिखा था, सबसे पहला कि मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। 20वीं सदी की औरत का शेर था, मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर लिखा, अगर मैं डूबी उसे साथ ले डूबूंगी, अगर मैं डूबी उसे साथ ले के डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। 22वीं सदी की औरत का शेर भी लिखा है, गालिब ने कहा था ना कि हम ले आएंगे बाजार से जाकर, तो बड़ी उसकी हंसी उड़ाते थे लोग पार्लर से, आज ला रहे हैं कि नहीं ला रहे बाजार। तो इसी तबके पे शेर लिखा है मैंने, अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, तूने पूछा था नमी आंख में क्यों है साईं। वाह वाह, तो अब ये 21वीं सदी का शेर आप सुनाए इस गजल में, के ठोकरे खा के जो गिरता है संभल जाता है, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। आपके तजुर्बे का शेर सुना रही हूँ, लेकिन किस जब कभी शायरी की तारीख उठाई जाएगी 2050 में, तो इस शेर के बाद उनको पता चलेगा कि 21वीं सदी का शेर आफाकी है, लेकिन ये उससे पहले का शेर नहीं है। मुलायदा फरमाए कि शबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, शबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है एक दोस्त बनाया हुआ शख्स, जैसे कि होता है एक दोस्त बनाया हुआ शख्स, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को।